टोहाना में लगातार धरने का आज दूसरा दिन है और हम आपको बता दें लगभग दोपहर बाद भी कोई बात है जो वो नहीं बन पाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है, आप देख सकते हैं किस प्रकार जो पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा वहाँ किसान है जहाँ लगातार बैठक चल रही है। हम आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। जो राकेश टिकैत है किसान नेता, उन्होंने आह्वान किया है कि अब जो है यहाँ पर झोपड़ियां लगानी पड़ेगी, ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर लाने पड़ेगी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत ने अभी घोषणा की है कि आगे जो है यहाँ पर झोपड़ियां बनानी पड़ेगी, दिल्ली की तरह यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर आने पर। अब देखना होगा कि आखिर ये जो समाधान है कब तक निकल पाता है। फिलहाल के अपडेट के लिए इतना ही है कि जो किसान है वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं, अगर ये समाधान नहीं निकल पाता तो आगे जो है किसानों की भीड़ लगातार बढ़ सकती है। करते रहेंगे बातचीत, ये चर्चा घंटे की उसकी जनता 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते हैं नहीं, ये देखते हैं ये आवे के ये कमजोरी दिखावे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं यहाँ पर, तो चौधरी चरण सिंह, काशीराम ने, टिकेत साहब, जितने भी क्रांतिकारी हुए ये तो जेलों में ही तो रहे, ये 23-23 महीने, 18-18 महीने, ये धोखे से ले जाना चाहते हैं, वो है धोखा। भाई 25-30 आदमी गए, दो को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, बाढ़ डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, मोर्चा यहां पे रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ रहा, यहां तैयार बैठे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल ले जाना, यहां से जाएंगे आपके थाने पे बैठे हुए यही रहेंगे, रात को भी यही रहेंगे, यहां की गलियों का उसका भी अता पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी अता पता चल गया। आपने जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी और कुछ नहीं दिया आपने, क्या सुविधाएं यहां पे दे रहे हो आप? अगर आपके बाहर धरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो आप पानी की इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की, ये टेंट को तो पता चला के टेंट पुलिस प्रशासन ने सरकार ने लगा टेंट लगा तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये, जैसा थोड़ा सा और बढ़ा दो ऐसे ही जेल डिक्लेयर कर तो और क्यों खा पो खा, आप भी धक्के खाओ हम भी धक्के खाते फिर हमारा खाने पीने का इंतजाम आप करो वाला, मतलब थाने में बैठा दिया, जेल ही तो डिक्लेयर कर दी कि जो तो यहां पे है आपने अस्थायी जेल बना दी, तो पढ़ाओ उसको, कहीं नहीं जाना हमको, यही रहेंगे, अपने ट्रैक्टर छोड़ ले जाओ, यहां पर धूप रहती है उसको अपना छप्पर ऊपर बांध दो, कुछ अपना बाहर को लगा लो, कुछ यहां लगा लो, एक रास्ते को अपना ज्यादा भीड़ होते एक रास्ते को अपना कवर कर लेना, और जो भी कमेटी अगर तय करेगी उसकी घोषणा ही हो जाएगी, कमेटी तय कर देगी अभी यहाँ पे आगे उगड़ा साहब भी बैठे हैं, इनका तो बिल्कुल लगता हुआ ही यही पंजाब तो यहां से लगता हुआ है, ये तो बॉर्डर पे है, हरियाणा पूरा मुख से मजबूत है, ये सबका पूरा पार देगा, ये वहां के बॉर्डरों का भी पूरा पड़ेगा, ये जितने टोल है उस पर भी रहेगा, ये यहां पे भी रहेगा, और जो भी यहां पे कॉल कर जाएगी उसको ये नहीं कि हरियाणा हरियाणा ना अभी रह नहीं या दूसरे स्टेट में भी कर ली, क्योंकि लोग कल भी दूसरी जगह भी तैयार थे, थानों में बैठे हुए थे, रात यहां से फिर उनको हटाया गया थानों से, पुलिस स्टेशनों से हटाया गया उनको, तो अपनी तैयारी यहां पर कर लेंगे, आगे की घोषणा उसकी करेंगे, अपना रात रूप को वही जाने जुड़े की जरूरत नहीं है, अपना कपड़े रखते मंगा लो, अपने ट्रैक्टरों को यही मंगाओ, तो धन्यवाद आप सभी का, और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, देखो जिंदा रहना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचनी, अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर हो गए आप, लेडीज के लिए जो मोबाइल टॉयलेट की बात करी थी, रात भी बात करी थी, वो पानी की उसकी व्यवस्था करो, ये तो जन सुविधाओं आती है, ये तो सारा पानी चाहिए ना आपको,
आप धरना पड़े आप तो आ रहे जन सुविधाएं आप नहीं दोगे। ये सारी व्यवस्था प्रशासन कर ले, यहाँ पर आप भी मत चल लगे तो भोगी की व्यवस्था कर लो। जैसे टिगरी वहां पे है तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अपने ट्रैक्टर लगा के अपनी झोपड़ियां बना के यहाँ थाने के अंदर बना लो पहले, क्योंकि यहाँ धूप रहती है, थाने के अंदर बना लेंगे। और हमने तो जब यहाँ पाए तो हमने तो अपने आप को गिरफ्तार ही मान रखा थाने में ही। प्रशासन को कहना ही तो है कि इसको थाने पर जेल बना दिया, हमारी व्यवस्था कर दो, अपने ट्रैक्टर वैक्टर बना के कुछ अपने अंदर यहाँ पर लगाओ, तुम बाहर जरूरत होगी फिर बाहर लगाओ। ये लंबा चलेगा मामला, कोई ऐसा नहीं चलने का एक दो दिन का, चार दिन का, दस दिन का, ये लंबा खिंचेगा। जैसे वहां का है ऐसे ही खिंचेगा। बातचीत भी इनसे करनी होगी तो वो भी करते रहेंगे, सारे नेताओं को यहां रहने की जरूरत नहीं, यहां तो एक रह लो तो अपना मिले बदमी से करते रहो। जैसे सिंगू के है, पंखे हैं, और जगह के बॉर्डर है तो कोई वहां रहेगा, कोई वहां पे, एक नया मोर्चा यहां होगा। जब यहां से उधर मोर्चू पे जाओगे तो कामू में रोकते चले जाओ, दस कामू में को मिलकर जाओ, फिर जब यहां पर ना होगा दस कामू में को मिलते चले जाओ। तो एक ये ठीक जगह मोर्चा खुल गया, यहां से पंजाब भी कवर हो जाएगा, हरियाणा भी कवर हो जाएगा, दोनों का ठीक हो जाएगा। यहां से जब जबंदी फिर अपना आते सिंगो बोलो वापस जाती रहे, टिकले जाती रहे, तो चलेगा। वो देखना चाहते हैं इसको, दो आदमी में कुछ हो नहीं है कि उनको रिहा कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। उनको ये है कि ये इस पे अगर झुक गए किसान तो फिर अगर टारगेट इनका दूसरा होगा, तो इन्हें भाई सांप की मांसी को जहां पे अगर पकड़े जाना उसको वही पीट लो, वही पकड़ो उसको, आगे बढ़ी ना लो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारा बाप का मुंह वहां बसा रहा क्या रहे तुम्हें दिल्ली में, पहले उसको तो छुटा लो, वहां बसा रहा क्या उसके नाकू में रेत भर गया, उसको तो सांस दुआ लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा, पूरे देश का ठेका ले लिया। पहले आपस की तो शोर कर लो, यहाँ का मुख्यमंत्री गृहमंत्री, गृहमंत्री तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा, तो आपस में टकरा रहे ना। पहले बयान तो ठीक कर लो भाई अपने, हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने यहाँ पे भी, एक मोर्चा यहाँ पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। और आप भी जाओ आए तो बहुत पब्लिक यहाँ के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव से आई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहाँ।